तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के 62वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उद्योग मंत्री जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर के अलावा निर्वाचित तिब्बती सरकार के सांसद व तिब्बती समुदाय ने शिरकत की। इस अवसर पर विदेशों से आए बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल रहे। मंत्री किशन कपूर ने तिब्बती धर्म गुरु की लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि दलाई लामा के शांति के मार्ग पर चलकर दुनिया में अमन कायम हो सकता है। इस अवसर पर टीपा के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे पहले मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर चुंगला खंग में सुबह उनकी लंबी आयु की कामना के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की तादाद में निर्वासित तिब्बती अनुयायी दलाई लामा का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए। जाहिर है कि दलाई लामा 28 जून से लद्दाख के दौरे पर हैं। वहां पर उनके जन्मदिन पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। निर्वासित तिब्बती सरकार के पीएम डॉक्टर लोबसंग सांगे भी लद्दाख पहुंच चुके हैं। बता दें कि दलाई लामा का जन्म उत्तरी तिब्बत में 6 जुलाई 1935 को लामदो के एक छोटे गांव तकचेर में किसान परिवार में हुआ था। 4 वर्ष की आयु में लहामदोब दोडुब नाम का वह बालक 13वें दलाई लामा थुपतेन ग्यात्सो द्वारा 14वें दलाई लामा के अवतार में पहचाना गया। तिब्बती धर्मगुरु महामहिम दलाई लामा अनुयायी दोरजे ने कहा कि आज परम पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन है और इसीलिए वे हर वर्ष यहां उनकी लंबी उम्र और उनके कार्यों में कोई बाधा ना आए उसी को लेकर वे हर वर्ष यहां पूजा अर्चना करते हैं। आज पवन पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस है तो यहाँ इसलिए हम हर साल यहाँ उनके लिए उनकी लंबी उम्र और उनके कार्य में बाधा ना आए इसलिए हम लोग हर साल यहाँ पूजा करते हैं। आज उनका 83rd बर्थडे है। ओके, तो क्या प्रे किया आपने? हमने उनके लंबी उम्र के लिए प्रे किया और उनके कार्य पूरी दुनिया में सब सेंशन बिन उनके बारे में जाने ऐसे इसलिए पूजा किया।